कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच बात बनते बनते रह गई, जहां कांग्रेस ने कहा कि पार्टी प्रशांत किशोर को खास जिम्मेदारी देना चाहती है, जबकि प्रशांत किशोर का कहना है कि पार्टी उन्हें चुनावी रणनीति तक ही सीमित रखना चाहती थी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी को मजबूत करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने को लेकर कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी ने सोमवार को बड़ा फैसला किया, जिसमें 2024 के लिए एक एक्शन ग्रुप 2024 बनाया जाएगा। इसके अलावा सोनिया ने प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर भी पार्टी में मंथन किया था, लेकिन मंगलवार को कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन और चर्चाओं के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें ग्रुप में शामिल होकर पार्टी ज्वाइन करने को कहा था, जिसमें उनके लिए एक जिम्मेदारी भी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम उनकी कोशिशों और सुझावों के लिए उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मना करने के पीछे की वजह का एक पहलू जहां कांग्रेस ने बताया है, वहीं प्रशांत किशोर ने अपना पक्ष रखा है। कांग्रेस ने जहां कहा है कि प्रशांत किशोर को एक खास जिम्मेदारी दी गई थी, वहीं प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उन्हें चुनाव की जिम्मेदारी लेने को कहा गया था। सुरजेवाला की इस टिप्पणी के कुछ देर बाद ही प्रशांत किशोर ने ट्वीट में कहा, मैंने विशेष अधिकार प्राप्त कार्य समूह का हिस्सा बनकर पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने की कांग्रेस की दरियादिली भरी पेशकश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी विनम्र राय है कि मुझसे ज्यादा पार्टी को लीडरशिप और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, ताकि परिवर्तनकारी सुधारों के जरिए पार्टी के भीतर घर कर चुकी ढांचागत समस्याओं को दूर किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके ट्वीट में एक बात साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस न पार्टी में और न ही अध्यक्ष को लेकर बड़े सुधारों को मानना चाहती है, वो बस उन्हें चुनावी रणनीतिकार तक ही सीमित रखना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत किशोर ने सलाह दी है कि पार्टी को तुरंत फैसले लेने चाहिए, साथ ही चुनावी प्रबंधन और संगठन प्रबंधन के लिए अलग अलग विंग होने चाहिए। प्रशांत किशोर चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस में सुधार के लिए फ्री हैंड दिया जाए, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मंजूर नहीं था। साथ ही प्रशांत किशोर बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में पुराने गठबंधन के साथियों को छूट और पार्टी नेतृत्व पर दी गई सलाह ने भी रास्ते बंद कर दिए। एक कांग्रेस पदाधिकारी ने बताया है कि प्रशांत किशोर चाहते थे कि पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों अलग अलग हों। किशोर चाहते थे कि प्रियंका को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि पार्टी चाहती थी कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बने। किशोर के कांग्रेस में शामिल होने के इनकार करने के बाद पंजाब प्रदेश कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनावी रणनीतिकार के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया है, अपने पुराने दोस्त पीके के साथ शानदार मुलाकात की, पुरानी शराब, पुराना सोना और पुराना दोस्त बेस्ट होते हैं। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी को मजबूत करने और अलग अलग लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर प्रेजेंटेशन दी थी। उनके सुझावों पर विचार करने के लिए सोनिया गांधी ने 8 सदस्य समिति का गठन किया था। सूत्रों ने बताया है कि किशोर ने सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में कांग्रेस को नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी चाहिए। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार अपनी प्रेजेंटेशन में प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि कांग्रेस को लगभग 370 लोकसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। इन सब चीजों के बाद एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गौरतलब है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी के भीतर जो डिस्कशन हुआ है वो इस मुद्दे को लेकर हुआ है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होंगे या नहीं। अभी तक इस बात पर डिस्कशन नहीं हुआ है कि प्रशांत किशोर उनके साथ एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम करेंगे या नहीं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी में अभी भी मीटिंगों का दौर जारी है और आने वाले दिनों में इस बात की घोषणा हो सकती है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के साथ ही 2024 के चुनाव में चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम करते हुए नजर आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।